मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मंडियों में चने की आवक सिमट गई है। चने में बेसन मिलों की त्योहारी मांग बनी हुई है। हालांकि मांग के हिसाब से दाल मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में भी चने की किल्लत होने से आयात पड़तल ऊंची बैठने लगी है। शुक्रवार को कम दामों की वजह से चने की आवक में कमी के कारण कीमतें शुक्रवार को फिर से 100 रुपये बढ़कर 5525 से 5550 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। दूसरी ओर खबर है कि सरकार वायदा में चने ट्रेंडिंग को फिर से शर्तों के अधीन मंजूरी देने की बात कह चुकी है। एनसीडेक्स में चना ट्रेंडिंग पुराना प्रक्रिया अनुसार वापस चालू हो जाएगा। फिलहाल नए सौदे पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। इसी बीच वायदा में भी शुक्रवार को चने में मजबूती रहेगी। फिलहाल चने दान के दामों में स्थिरता रही, लेकिन आगे मांग बढ़ने पर कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर मसूर में भी कम दामों पर पूछ परख बराबर बनी हुई है, जिससे भाव मजबूती पर टिके हुए हैं। मसूर 7550 से 7600 रुपये प्रति क्विंटल पर टिकी हुई है। उड़द, मूंग और तुअर में काम काज सामान्य रहा। भाव में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।